अपन राज आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। आज आपको बताने जा रहा हूँ हम एमएस वर्ड में जो भी इमेज लेते हैं उसमें कोई भी पिक्चर स्टाइल अच्छा सा कैसे हम डाल सकते हैं। जनरली हम डाले क्या लेते हैं, कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते, जैसे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इंडिजाइन हो गया। लेकिन हमें मान लो कि हमें पता नहीं, हम नॉर्मल एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें कैसे स्टाइल डाल सकते हैं, चलिए शुरू करता आपको दिखाता हूँ। जैसे मान ली हमारी ये इमेज, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और जो ये देख लो रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करके हम बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आप इमेज को कहीं भी आराम से मूव करके ले जा सकते हो, ठीक है। ये कर दिया हमने, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया, अभी मैं साइड में करता हूँ जिससे आपको आराम से दिखेगा। तो ये आपको देख फॉर्मेट में क्लिक करने से यहाँ पर दिखता है आपको पिक्चर स्टाइल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है, ठीक है। अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हमने पिक्चर स्टाइल पर क्लिक किया, यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन एरो है, आपको बहुत सारे स्टाइल यहाँ दिखेंगे। वहाँ आप माउस ले जाइए, आपको वहाँ प्रीव्यू दिखेगा। फर्स्ट वाली ये है, फिर ये दिखेगी, ये स्टाइल काफ़ी अच्छी स्टाइल है। ये देखते हैं शैडो के साथ है, ये राउंडेड और नीचे रिफ्लेक्शन भी आपको यहाँ पे दिखेगी इस तरह से। ये देखिए ब्लर ब्लर दिख रही है, ये ब्लैक का शैडो है, जैसे फ्रेमिंग होती है ज़्यादा ब्लैक का शैडो है। ये देखिए पतली सी ब्लैक का बॉर्डर है, ये सर ओवल के अंदर है। ये आपका देखिए डबल बॉर्डर है, ब्लैक और वाइट का बॉर्डर है। इस तरह से आप यहाँ पर ईजिली क्या कर सकते हैं, जो भी चाहिए आपको उस पर क्लिक करें, आपको जो अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करके आप उसको आप यूज़ कर ले, ठीक है। जैसे आपको जो भी अच्छा लगा, मान हमें ये अच्छा लगा हमने ये इसको क्लिक किया, आपको जो भी यूज़ करना, छोटा बड़ा करना, कॉर्नर्स करके हम छोटा बड़ा जो करना यहाँ से यूज़ कर लिए, ठीक है। अब चलिए मैं अंडू करके ओरिजिनल इमेज लाता हूँ। यहाँ से आपको जो चाहिए आपने स्टाइल यूज़ कर लिया, ठीक है। आपको मान लो ये पसंद नहीं है, कुछ और चाहिए थी, आप क्या इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का पिक्चर बॉर्डर दिखेगा। सबसे पहले यहाँ चलते हैं पिक्चर बॉर्डर। आप नॉर्मल वॉल बॉर्डर लगाना चाह रहे थे, यहाँ से कलर चूज कर लिए, पहले आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। हमने कलर चूज़ किया, उसके बाद नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर देखिए मोर आउटलाइन कलर। अगर इसके अलावा कलर चाहिए तो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, आपको जो भी कलर चाहिए, जो भी कलर चूज़ करना आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ओके किया। उसके बाद आपकी जो ये थिकनेस है, कितनी मोटी बॉर्डर होनी चाहिए, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमारा 6 का बॉर्डर है, हमने 6 का बॉर्डर दे दिया। मान लो कि आपको कलर अच्छा नहीं लगा था, यहाँ से कलर चेंज कर लिया, इस तरह से आपने कलर चेंज कर लिया। आपको मान लो कोई और चाहिए, ब्लू चाहिए, ब्लू लगा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। मान लो हमने अभी कलर लगा दिया, अब देखिए यहाँ आपने बॉर्डर लगा दिया, वेट भी दे दिया। हमें मान लो डैश डैश वाली लाइन चाहिए, यहाँ आप देखिए आपके तो मोर लाइन है, मोर लाइन में आपको काफ़ी सेटिंग आपको मिल जाएगी, जिस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं नॉर्मल आता हूँ। यहाँ पर डैश लाइन है, ठीक है। डैश लाइन आपको इस तरह की मिल जाएगी, देखिए आप इस तरह की, इस तरह अलग माउस नीचे करते जाए आप अलग अलग लाइन यहाँ मिलते जाएगी। देखिए आपको जो पसंद है, मान लो यही पसंद आ रहा है तो आप यहाँ डालते, आपको ये देख डैश डैश लाइन आपको अच्छी लग जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पिक बॉर्डर, आपको नॉर्मल तो बता दी, अब इसकी सेटिंग में जाना है, तो आप किसी के भी जाइए मोर लाइन में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जब मोर लाइन में हम क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ क्या आपकी सेटिंग है, यहाँ से आपके बॉर्डर की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। आप जितना मोटा करना है यहाँ बढ़ाते जाइए आप, ठीक है। यहाँ थिकनेस बढ़ा रहे हैं, यहाँ से कम करना है, यहाँ से कम कर रहे हैं। अब जो लाइनिंग है यहाँ पे, ये तो देखिए सिंगल लाइन है, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, डॉट लाइन को मैं भी हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पिक्चर में जाकर अभी डॉट लाइन को हटा के नॉर्मल लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जो थी आपकी डैश लाइन को अभी मैं हटा के नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की है। अब मैं आ रहा हूँ इसकी सेटिंग में, ठीक है। कोई भी सेटिंग खोल लिया आपने, अब इसकी थिकनेस मान लो यहाँ से आपने कितनी कर दी, मान लो आपने कर दी थोड़ी मोटी कर रहा जो आपको देखने में क्लियर हो जाए, साथ ही कर दी, ठीक है। अब जो हमने सिंगल लाइन की बॉर्डर दे रखी है, उसको अगर मान लो डबल लाइन करनी थी, यहाँ से आपको डबल लाइन की बॉर्डर हो गई। आपको ये देख इस तरह की करनी थी, यहाँ से इस तरह की हो जाएगी। आप मत अलग अलग आपको बॉर्डर लाइन यहाँ से दिख सकती है। और डैश लाइन की टाइप चाहिए थी, यहाँ से देखिए आपकी थिकनेस यहाँ पर क्या है, इसी लगेगी, लेकिन आपकी ये ब्रेक वाली लाइन डॉटेड लाइन आपको आ जाएगी। यहाँ पर अलग अलग आपको देखिए क्वालिटी आपको दे रखी है, आपको जो यूज़ करना है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो कैप है, ये देखिए कॉर्नर, इसको बोलते हैं कैप। अब कैप किस टाइप चाहिए, स्क्वायर चाहिए, राउंडेड चाहिए तो यहाँ देखिए राउंडेड आएगा, फ्लैट चाहिए तो देखिए सीधा सीधा आएगा, और स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब जो जॉइंट टाइप है कैसा चाहिए, अभी देखिए राउंडेड है, ठीक है। अगर बेवल करेंगे तो बेवल आएगा, और मीटर करेंगे मीटर आएगा। तो इस चीज़ को उतनी करने की आपको ज़रूरत नहीं, मेन आपको इस दोनों पर देखना है आपको, ठीक है, कैप पे इस पर। अब ये तो आपकी हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करते हैं, अपने वाटर डालना सीख लिए। अब चलिए आपने क्या कहता है, पिक्चर इफेक्ट जो आपको मैंने यहाँ पर बताया था, इसकी सेटिंग है यहाँ पर सबकी। पिक्चर इफेक्ट है, मान लो पहला देखिए पिक्चर इफेक्ट लिए, अब देखिए यहाँ पे पहला लिया तो आपको देखिए यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा, मैं लगा आप ध्यान दीजिएगा। अब माउस बगल खिसकाते जाइए, आपको अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखते जाएगा, आपको जो भी चाहिए, देखिए आपको जो चाहिए जो अच्छा लग जाए, मान लो ये वाला आपको जो भी अच्छा लग रहा है, मान लो ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, जो अच्छा लगा, मान लो ये वाला आपको अच्छा लग गया, ठीक है। आपको जो भी अच्छा था, अब इस मान लो ये किया था, ठीक है। तो इसमें आप 3D ऑप्शन में जाइए,
आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने ऑप्शन लिया है, आप जो विड्थ थी यहाँ से आपको विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ जो भी करेंगे इसका चेंजेज आपको यहाँ पे दिखेगा। आपकी भाई विड्थ बढ़ाई, अपने मतलब हाइट को आप बढ़ा रहे हैं, देखिए आपकी हाइट भी बढ़ेगी। कोर्स यहाँ देखते रहिएगा। अब जो बॉटम, ये टॉप पार्ट था आपको ऊपर, आप बॉटम पार्ट का मान लो विड्थ को आपने क्या किया, देखिए यहाँ से आप छेड़ रहे हो। जो भी करोगे आपको यहाँ प्रीव्यू दिखेगी। अब जो डेप्थ का कलर है, अगर डेप्थ का कलर आप चेंज करना चाह रहे हो तो डेप्थ का कलर देखिए यहाँ दिखेगा। लेकिन डेप्थ का कलर जनरली हम लोग क्या डार्क ही रखते थे, यहाँ से डार्क ही रख रहे हैं, ठीक है। अब कंटूर का कलर है तो आप कंटूर कलर का जो चाह रहे हैं, देखिए कंटूर कलर यहाँ चेंज हो जाएगा। अब जो सरफेस है, सरफेस क्या मेटेलिक है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, देखिए यहाँ से आपका ये चेंज होगा। जो भी करना है आप जिस चीज़ को देखना चाह रहे हैं आप गौर देखिए उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेगा आपको, देखिए। और जो लाइटिंग है आपकी, लाइटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लाइटिंग को आपको किस तरह की लाइटिंग चाहिए उसके ऊपर यहाँ से कर सकते हैं, उस तरह की रिफ्लेक्शन उसके ऊपर वो पड़ेगी। आपको जो चाहिए सेटिंग यहाँ से आप चेंज करके इजीली आप देख सकते हैं आपको जो अच्छा लग रहा है। चलो यहाँ से हमने कर दिया, और आपको लगता है पसंद नहीं आती यहाँ से रिसेट करके आप नॉर्मल कर सकते हैं। ये होगा, हो गया आपका। अब चलिए दोबारा चलते हैं इसमें, मान लो शैडो वाले पार्ट में, तो यहाँ शैडो का काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए आपको यहाँ शैडो दिखेंगे। अब इस चीज़ को अलग अलग नहीं देखना है तो आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी के भी मान लो कि नीचे आएंगे तो आपको उसके ऑप्शन दिखेंगे। तो उसके ऑप्शन दिखने के लिए यहाँ देखिए आप नीचे आपको सारी चीज़ें दे रखी है आपको, ठीक है। मान लो शैडो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको शैडो क्या साइज़ बढ़ाना है, देखिए आपको साइज शैडो का साइज यहाँ से बढ़ेगा। ब्लर बढ़ाना है, ब्लर मतलब धुंधला करना है तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंगल चेंज करना है तो ऐसे एंगल चेंज कर सकते हैं, किस तरफ ले जाना है, ठीक है। डिस्टेंस में दूरी कितने दूर पर रहेगा यहाँ सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया शैडो। अब रिफ्लेक्शन वाली चीज़, ठीक है, इसको क्लोज कर रहा हूँ। चलिए इसको मैं अनडू कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब चलिए इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन। यहाँ से रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं, देखें नीचे करेंगे नीचे आपकी रिफ्लेक्शन दिखेगी आपकी जिस तरह की चाहिए यहाँ से रिफ्लेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और उसकी सेटिंग है, रिफ्लेक्शन सेटिंग में जाके यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो नॉर्मल मैंने कोई भी ले लिया रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वाली ले ली। अब इसकी रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंसी देखो, यहाँ लाइट दिख रही है, इसको ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, लेफ्ट करके ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ा सकते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ डिस्टेंस कितना दूर रखना है, बीच का गैप वो कर सकते हैं, ब्लर करना कितना धुंधला करना वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे ना ग्लो एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको मैं यहाँ से अनडू कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। अनडू किया मैंने। अब चलिए दोबारा फॉर्मेट में जाते हैं, पिक्चर इफेक्ट जाते हैं। अब रिफ्लेक्शन आपने देख लिया, अब चलते हैं ग्लो। अगर ग्लो देखना है तो यहाँ देखिए सब में ग्लो आएगी, इस तरह से जिस तरह ग्लो चाहिए आपको यहाँ पे सारे ग्लो उस तरह के आपको दिख जाएंगे। ग्लो कलर चेंज करना है, अब देखिए मोर ग्लो कलर करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जिस कलर का चाहिए ग्लो उस कलर का आ जाएगा आपको, ये समझ गया। और उसकी सेटिंग करनी, ग्लो की सेटिंग, तो आपको ग्लो की सेटिंग आपको मिलेगी इसी तरह से यहाँ पे। आपको जो भी है प्रीसेट आपने जो लिया यहाँ प्रीसेट चेंज कर सकते हैं आप, देखो आप ये लिए ये कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। साइज बढ़ाना है ग्लो का, यहाँ देखिए मैंने बढ़ाया, यहाँ हो सकता है ट्रांसपेरेंसी मतलब डार्क लाइट करना है तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आप। और साइज देखिए यहाँ से साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप समझ गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं सॉफ्ट एज। इसी तरह आप यहाँ सॉफ्ट एज जो आपका सॉफ्ट और जो एज होगा आपका ब्लर हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड साथ आपका मर्ज हो जाएगा। इस तरह से आप सॉफ्ट एज का भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब बेबल, बेबल मतलब जो उठा हुआ दिखेगा, जो आजकल सब ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो भी बेबल चाहिए तो यहाँ से बेबल इफेक्ट भी आप ले सकते हैं, देखिए आप काफ़ी अच्छा अच्छा आपको यहाँ बेबल इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मान लो जो भी आपने लिया, मान लो आपने ये लिया, ठीक है, इसकी कुछ सेटिंग चेंज करनी है तो बेबल में जाकर आप कर सकते हैं। नीचे 3D ऑप्शन में गए, इसकी देखिए सेटिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। टॉप का बेबल चेंज करना है तो आपको जितना भी करना है, मान लो इसको हमने कर दिया 18, तो देखिए टॉप का 18 हो गया। बॉटम का कुछ चेंज करना है तो मान लो बॉटम का हमने 18 किया। जो भी सेटिंग है यहाँ पे, डेप्थ को बढ़ाना है तो यहाँ से आप डेप्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी आप सेटिंग यहाँ करेंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, ठीक। अभी मैं रिसेट कर देता हूँ क्लोज। अब चलिए नेक्स्ट चलता हूँ आपका 3D रोटेशन। अब 3D रोटेशन में देखिए आपको बहुत सारा दिखेगा, देखिए यहाँ पे जो जो ले जाएंगे आपको 3D इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से, देख रहे, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अपने डिज़ाइन में। मान लो MS Word में आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ से आप लेके इमेज को आप प्लेस कर सकते हैं इस तरह से, देखिए जिस तरह का चाहिए यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देगा। ये देखिए आपको ग्रेडियंट का भी लुक दे रहा है, साइड व्यू जो भी व्यू है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और उसकी से आप सेटिंग कर रहे हैं 3D ऑप्शन हो गए, यहाँ से पहले आप प्रीसेट सेलेक्ट कर रहे आपको कौन सी चाहिए, मान लो हमें ये वाली चाहिए। अब इसकी सेटिंग यहाँ जो भी करनी है यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है यहाँ से
अब देखिए यहाँ से एंगल हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है, जो भी एक्सिस है आप यानी यहाँ से इजीली आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये तो आप चलो आपका क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको मैंने सारा यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट आपका पिक्चर लेआउट। अब पिक्चर लेआउट में क्या है, देखिए हमने कोई मान लो प्रेजेंटेशन टाइप का कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहा है। अब देखिए पहला देखिए आपका इमेज ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें टेक्स्ट भी आपको लग जाएगा। जैसे ये लिया हमने, इसमें टेक्स्ट लग गया, तो आपको क्या करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, जो भी टाइप करना है, मान लो हमने लिख दिया राज, इसके ऊपर ये आ गया। और इसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप होम में जाना है, उसका जो भी कलर चेंज करना है तो आप इजली इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। मान लो इसका कलर आप येलो करना था, यहाँ से येलो कलर आपने कर दिया, इस तरह आपने इसमें इस तरह का बना दिया आपने। चलो मैं इसको अंडू किया मैंने, दोबारा फॉर्मेट में जाते हैं, पिक्चर लेआउट। अब मान लो इस पर करें इस तरह की लेआउट आएगी, इस पर इस तरह की आएगी। आप अलग अलग खिसका के देखिए, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी लेआउट आपको इमेज के साथ मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको जो भी चाहिए, जैसे इस पर क्लिक किया आपने, देखिए काफ़ी अच्छी लुक है। इस पर हमने इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, इस पर लिख दिया मैंने राज ग्राफिक ज्ञान, देखिए इस तरह लिख दिया हमने। अगर नहीं दिख रहा टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए आप इस तरह से, जिससे पता है टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, होम में गए और इसका जो कलर है आपको जो लग रहा है, मतलब ब्लैक तो ब्लैक कर, सॉरी ब्लैक कर दिया हमने। इस तरह से नॉर्मल आपने क्या किया, इसको कर लिया, सॉरी, ठीक है ये हो गया। अब मैं चलो अंडू करता हूँ। अगर मान लो ज़्यादा अंडू करना पड़ रहा है, नॉर्मल क्या करें, इंसर्ट में जाए, पिक्चर में जाए, आपको जो पिक्चर लेनी है उस पर क्लिक करके आप पिक्चर को इंसर्ट कर लें, ठीक है। ये पिक्चर इंसर्ट हो गए, पिक्चर लेआउट में गए। आप इस तरह की लेआउट चाहिए, आपको इस तरह की लेआउट होगी, ये चाहिए इस तरह की होगी, आपको जो भी लेआउट चाहिए आपको काफ़ी सारे लेआउट यहाँ पे मिल जाएंगे, जो अपना लेआउट यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा लुक इसको आप दे सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह का लुक है। आपने टेक्स्ट में टाइप किया, आपको जो भी लिखना है, आपको राज लिखना है, जो भी लिखना आपने यहाँ लिखा, नॉर्मल लिखा, आपका लेआउट बन के तैयार हो गई है। देख रहे आपका इमेज का काम यहाँ पर हो गया। अभी मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से पिक्चर को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, पिक्चर सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर लिया, ठीक है। ये आ गए आपने पिक्चर लेआउट भी सारी समझ ली। अब चलिए इसके बाद की जो पोजिशनिंग है वो आगे समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे इसको मैंने समझा, अब जो पोजीशन होता है ये आपको टेक्स्ट के साथ होती है, ये बाद में बताऊँगा। अब आते हैं मेन हम रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे इमेज के साथ काम होती है सबसे ज़्यादा हमारे बिहाइंड टेक्स्ट। इससे क्या होता है, इस पर करने के बाद इमेज को आप कहीं भी मूव कर सकते, इस पर क्लिक किया और बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आप इमेज को मूव कर सकते हो इस तरह से, इजीली कहीं भी मूव कर सकते हो। और बाकी जो चीज़ें हैं आपकी इमेज के साथ, जैसे फॉर्मेट हो गए रैप टेक्स्ट में, ये सारी चीज़ें जो ये मैं जब आपको टेक्स्ट के साथ लेआउटिंग बताऊंगा उसके साथ में बताऊंगा। तो बाकी की चीज़ें जो हैं आपको मैं इधर जो आप देख रहे हैं अलाइनमेंट रोटेशन, ये सब चीज़ें आपको क्या है चाहती है यहाँ भी देख सकते हो, वरना मैं क्या आगे जब टेक्स्ट के साथ काम करें तब भी बताएंगे। मैं इसे कॉमन बता देता हूँ, अलाइनमेंट क्या होती है, हम इसको अलाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जो आपकी यहाँ पर रोटेशन है, रोटेशन मतलब एंगल चेंज कर सकते हो आप। जैसे मैंने देखा इसको छोटा कर जूम आउट कर देता हूँ तब दिखेगा आपको, देखिए रोटेट में किया 90 करेंगे तो आपकी इस तरह से घूम जाएगी, रोटेट लेफ्ट 90 करेंगे उल्टा 90 घूमेगा, वर्टिकल करेंगे तो इस तरह घूम जाएगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इस तरह से घूम जाएगा, ठीक। बाकी मोर रोटेशन ऑप्शन यहाँ से आप एंगल भी उसका आप चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी क्या नॉर्मल बता दी, आने वाले क्लास जो होगा उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँ। तो ये थी हमारी आज की क्लास, हम किसी भी इमेज पिक्चर स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं। आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।